वेलकम बैक इन दिस चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पाइथन से रिलेटेड सेकंड ट्यूटोरियल, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पाइथन को फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, पाइथन को कैसे हम तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल सुबाई अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एक हमारा चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप वहां पर जाकर भी इस चैनल को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें हम लारावेल से जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को रिलेटेड या फिर बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे बात करेंगे बाबा एकेडमी का सेकंड ट्यूटोरियल्स की पीपीटी ओपन करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे पाइथन फाइल्स। ठीक है, सो सबसे पहले पाइथन फाइल्स की बात कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं पाइथन फाइल्स के मैंने पेज क्लिक किया, जहाँ पे पाइथन फाइल्स आर सेव विद द डॉट पी वाई फाइल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि जो भी जो फाइल्स पाइथन फाइल्स होती हैं यहाँ सेव, उसको हम डॉट पी वाई से सेव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डॉट पी वाई लिखा है, लेकिन यहाँ के लिए मैं एक फोरस के लिए एक पेज पर क्रिएट कर करता हूँ। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम फाइल्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, कि ऐसे फोर एस इंडेक्स डॉट पी वाई, जैसे कि मैं इंडेक्स के नाम से कोई फाइल्स बनाना चाहते हैं, उसके बाद में जो पी वाई है, एक्चुअली हम पी वाई लिखेंगे तब तो हमारी जो फाइल्स है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे हेलो डॉट पी वाई, नेम डॉट पी वाई और हे डॉट पी वाई, ये सारी की सारी हमारी फाइल है। इस नाम के हम फाइल्स बना सकते हैं, और इसको हम फाइल्स बना कहाँ सकते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे नोट पे। ठीक है, तो देख सकते हैं यू कैन एनी टेक्स्ट एडिटर, यानी कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, जैसे बी एस कोड है एंड हमारा पास ये नोट पैड है। इसके अलावा कोई भी सारे पैड होते हैं, उसमें हम ये फाइल्स बनाते हैं, जिसमें टू क्रिएट पाइथन फाइल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं सो बताना चाहूंगा कि आपको हम इसको एग्जाम्पल ही कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने बी एस कोड ओपन करेंगे अभी के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी फाइल से क्रिएट करते हैं वो सिंपली हम टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से, या कोई भी एक्सटेंशन है उसके नाम से हम कर करते हैं, जैसे कि इंडेक्स डॉट पी वाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके अलावा देख सकते हैं हेलो डॉट पी वाई, इसी नाम से हम फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ फाइल क्रिएट करने के लिए पाइथन से मेरी एक फोल्डर है, जो कि मैंने अपने फाइल से यूज किया हुआ है। सिंपली मैं इसके बगल में यहाँ पे क्लिक करूंगा, और मैं चाहता हूँ इंडेक्स। ठीक है, मैं इंडेक्स या फिर और भी कोई नाम से यहाँ बना सकते हैं डॉट पी वाई। जैसे हम डॉट पी वाई डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन का लोगो आ चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पाइथन देख सकते हैं एक्सटेंशन फाइल्स बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी डालूंगा और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, देख सकते हैं हमारे इंडेक्स डॉट पी वाई बन चुकी है, और सिंपली इसी में हम बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट हेलो एक्चुअली, ठीक है, मैं यहीं पे क्या करना चाहता हूँ, कोई भी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं प्रिंट क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे अपना टैग कर दूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से सब्सक्राइब ना हो। ठीक है, ओके, अभी क्या करने वाले हैं हम, मैं इस फाइल को सेव करूंगा यहाँ पे, और इसको मैं सिंपली रन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँगा बाबा अकेडमी सब्सक्राइब नाउ लिख के आ चुका है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है, हमारी जो फाइल्स मैंने क्रिएट की है अभी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने दोबारा से बी एस कोड पर, अपने सॉरी अपने पीपीटी पर, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आप कोई भी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। अब बात करें हैं कि जो फाइल्स है, हम जो फाइल्स मैंने इसमें बनाई है, उस सिंपली उस फाइल्स को हम यहाँ पे रन कैसे करेंगे। ठीक है, तो रन करने के लिए क्या करेंगे कि पहले हाउ टू रन फाइल्स पाइथन हेलो डॉट पी वाई, यानी कि हम जो भी फाइल्स मैंने बना रखी है अपने बी एस कोड में या फिर अन्य कोई कंपाइलर में, आप सिंपली उसे पाइथन लिखेंगे, और हेलो डॉट पी वाई पाइथन डॉट इंडेक्स डॉट वाई, एक बार सिंपली हम इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये फाइल बनी इंडेक्स डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बनी हुई है। सिंपली अब ये करने वाले हैं कि मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँ एक्चुअली। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ टर्मिनल पे जाऊंगा, और क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे भी एड्रेस फाइल्स अभी यहाँ पे मेरा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये पाइथन 3 है, मैंने इस पर अपग्रेड नहीं किया अभी। तो फिर भी मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो एक बार पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्रिएट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पर क्लिक करना है हमको यहाँ पे, और न्यू टर्मिनल पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तैसे हमारे सामने फाइल्स क्रिएटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, हमारे साथ पी एस सी और फाइल्स आ चुके हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था पाइथन, अभी हमारे पास एक फाइल्स है इंडेक्स डॉट पी वाई, जो कि मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की थी। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट पी वाई करना है, और उसके बाद सिंपली एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, देख सकते हैं बाबा अकेडमी सब्सक्राइब नाम यहाँ पे लिख के आ चुका है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी फाइल्स पाइथन इसकी रन कर सकते हैं। ठीक है, फाइल्स रन करने के साथ हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है पीपीटी की है पेंट, हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट पेज शायद सिंपली पाइथन इंटरप्रेटर। पाइथन इंटरप्रेटर बहुत ही मोस्ट सब टॉपिक है इसके अंदर, जहाँ पे देख सकते हैं ये पाइथन इंटरप्रेटर और कंपाइलर इज ए प्रोग्राम। ठीक है, दैट एग्जीक्यूटेड पाइथन कोड डायरेक्टली, हम पाइथन की डॉटेड कोड है जो डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिंपली इंटरप्रेटर की बात करें, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी कोड है यहाँ पे एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे बी एस कोड है, मैं इसको डायरेक्टली और रन कराना चाहता हूँ, तो डायरेक्टली रन कराने के लिए यहाँ पे मेरे को पाइथन इंडेक्स डॉट पी वाई फाइल की नाम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली यहाँ से इसको जो है
या इसी में इसको रन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे रन का ऑप्शन लिखा हुआ, सिंपली मैं इसको रन करूंगा, देख सकते हैं रनिंग पाइथन यू बाबा अकेडमी सब्सक्राइब ना यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, हमें कोई भी ट्रेंड नहीं करनी, सिंपली हम इसको करना करना है, यही हमारा इंटरप्रेटेशन काम करता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इंटरप्रेटेशन ऑफ ये हम फाइल्स को भी लेते हैं, जहाँ पे कोई प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि जो भी फाइल्स हमने क्रिएट की है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, हम देख सकते हैं ट्राई इट, ट्राई इट का मतलब यहाँ पे कोई भी फाइल्स है। एक्चुअली मैं इस फाइल्स को यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मैं इसी फाइल को यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार करके भी देखते हैं नहीं हो रहा, तो हमें क्या करने वाले हैं कि जो फाइल से क्रिएटिंग ऑफ, तो मैं इसी जो फाइल से एक्चुअली, ठीक है, एक्स इक्वल 20 बाई इक्वल 30 मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे सम इक्वल मैंने एक्स और एन प्लस वाई की वैल्यू को मैं एडिशन कर लिया। ठीक है, सम के इक्वल में जब मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ मैं सम को, एक्चुअली यहाँ पे सम मैंने पढ़ लिया, तो आउटपुट यहाँ 50 आ जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 20 है, एन वाई के लिए वहाँ पे 30 है। इसको मतलब ये सम इक्वल जो मैंने एक्स प्लस वाई किया हुआ एक्चुअली 50 हो चुका है। तो सिंपली हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे आ भी रहा है 50 या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे टेंड करेंगे, और सिंपली एक्स इक्वल 20 जो कि हमने यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, एक्स इक्वल 20 और वाई इक्वल सॉरी वाई इक्वल 30, वाई इक्वल 30, और मैं एक सम नाम की कोई वैल्यू वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने नाम सम नाम का कोई वैल्यूबल ले लिया, और 20 प्लस 30 यानी कि मुझे 20 प्लस 30 करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे 20 प्लस 30 सॉरी एक मिनट, एक्स प्लस वाई करना है मेरे को। ठीक है, एक्स प्लस वाई करने के बाद सिंपली हमें इसको यहाँ पे रन करा देना है सम को, क्योंकि मैंने सम के इक्वल में एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, और फिर उसके बाद फाइल को सेव करना है, उसके बाद सिंपली हमें रन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या है, मैं टेस्ट डॉट पी वाई की जो फाइल्स है उसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, लेकिन मैं एक्स डॉट पी वाई की फाइल को सेव करूंगा और यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट इसका 50 आ चुका है। अब सिंपली दूसरा तरीका तो जैसे बताया था कि मैं यहाँ पे जैसे करके कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली पाइथन और मेरे इंडेक्स डॉट पी वाई दोबारा से मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी वाई डालूंगा, और देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी 50 आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रोजेक्ट और रन कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि मेरे को सम कोई नाम की वेरिएबल ही नहीं लेना, मेरे को यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली एक्चुअली मेरे को यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई यहाँ पे करूंगा एक्चुअली। ठीक है, एक मिनट, एक्स प्लस वाई, फिर भी इसकी जो वैल्यूज है 50 ही आएगी। एक मिनट, मैं चेक करते करते कर देता हूँ, आपको देख सकते हैं इसकी वैल्यू फिर दोबारा से यहाँ पे 50 आ चुकी है। इसके लिए हम यहाँ पे सम नाम की कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, सम ने क्यों लगाया हुआ है एक्चुअली वैल्यूबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई डालूंगा, इसके अलावा मैं कोई भी और वैल्यू डालू तो वो भी एडिशन करने करना पड़ेगा इसके प्रिंट के अंदर। इसलिए मैंने यहाँ पे सम लिखा है ताकि मैं सम में से जितनी भी वैल्यूज क्रिएटेड हैं जो भी कैलकुलेशन है वो सिंपली सम के अंदर मैं कर दूँ, और सिंपली सम को यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँ। तो थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। और ये आप लोग पीपीटी अभी देखी थी एक्चुअली, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो सिंपली आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे एक चैनल है अरबिक कोडिंग, वो आप वो भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।